गवांदे साहब, मैं बता दे रहा, ये मेरा मेरा पहला धरना था। मैं इसके लिए सिर्फ तुमको मैं वार्निंग दे रहा, अगर पीर के दिन से अगर इसका काम चालू नहीं हुआ तो तीनों चारों रोड बंद करा दूंगा मैं, और मुंह काला करूंगा तुम्हारा, इतना याद रखना है क्या? हाँ, मुंह काला करूंगा मैं, हाँ काला करके चप्पल घुमाऊंगा। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। जरा रुक जाओ भैया, आज यहाँ पर गामुद्रो बरोज मूड दोपहर में हम लोगों ने यहाँ पे 3 बजे धरना दिए, और कॉरपोरेशन और पुलिस महकमा को हम लोगों ने बाकायदा परमिशन निकाल के, इंटीमेशन दे के हम लोगों ने इस रोड के ऊपर आज हमारा एहतजाज किया। अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ बताया, मौलाना अनीस अय्यर साहब ने बताया और काफ़ी लोगों ने बताया कि इस रोड के ताल्लुक से मैं मेरे बचपने से शायद मैं देखते आ रहा हूँ कि इस रोड, समझता हूँ मैं एक या दो मर्तबा काफ़ी किसी के वक्त में बना हूँगा, हो सकता शेख रशीद साहब ने बनाया हो या हमारे न्याल साहब ने बनाया हो, और मेरे बचपने से मैं ये चीज़ सुनते आ रहा हूँ कि फतेह मैदान चौक इसे कहा जाता। और जब किसी सियासी पार्टी का अगर इस रोड के ऊपर अगर जलसा रहता तो सुलेमानी मस्जिद तक का कर दी जाती, कहीं तक ऐसा देखा कि हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रस्तान तक भी गर्दी पहुंच जाती। और इस शहर के जो आज के जो MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इसी नयापुरे के अंदर, इसी इलाके के अंदर रहते, तो मैं समझता हूँ मालेगांव की सबसे बेहतर रोड यही होना चाहिए थी। आज अगर मेरे उल्टे हाथ में देखे तो एक मरकज महाराष्ट्र के अंदर माना जाता जिसे नूरानी मस्जिद कहा जाता, और अपने शहर की एक पहली मस्जिद मेरे बिल्कुल पीछे बाजू साई मस्जिद, और आज इस रोड की हालात और ये नूरानी मस्जिद की रोड की हालात ऐसी है, ऐसा लगता है कि मैं ग्रामीण भाग में चला गया हूँ, मैं जैसे रमजानपुरा, दयाना, पवारवाड़ी के हिस्से में आ गया हूँ मैं। जब आप लोग यहाँ के रहने वाले जितने भी, अगर मेरी आवाज़ जा रही और इस जितने भी चैनल वाले हैं, अगर उनके ज़रिए अगर मेरी आवाज़ अगर कहीं तक अगर जा रही है, तो शहर की आवाम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से सवाल करना चाहिए, क्या मुफ्ती साहब हम लोगों ने आपको वोट दिया, इस इलाके की, इस गली की रोड क्यों नहीं बन रही? जबकि सुलेमानी मस्जिद से फतेह मैदान और फतेह मैदान से लेके बिक्कू चौक ये बाकायदा रोड मंजूर शुदा है, जिसका टेंडर हो चुका। गवांदे साहब सही बात है ना, हाँ गवांदे साहब का है तो बाकायदा मंजूर शुदा रोड है, ये रोड मंजूर है ना साहब, ये रोड मंजूर है ना, क्यों नहीं चालू कर रहे रोड का काम? अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह कब करेंगे?
अभी उधर का चालू है अपना। अरे तो पूरा करो ना, तो अभी ये वो हो गया, तो मशीन ठेकेदार के पास इतने 500 करोड़ का ठेका, तो एक ही मशीन है क्या उसके अलग? बुलाया उसको भी। कब बुलाए? अभी बुलाया है। कब बुलाए? अभी बुलाया मेरे इधर। कब आ रहा? आ रहा उधर ही सुनने वाले चौक में। तो क्या मशीन लेकर आ रहा हो? खुद आ रहा? वो आ रहा है, खुद आ रहा है। अगर काम करो, यकीन मानो मानो, तुम्हारे इलाके में जाओ तो एक गली की रोड खराब दिखती नहीं। हाँ, असल में हमारा आमदार भी यहाँ का जो आमदार है ना मालेगांव का, वहाँ भले ही हिम चला रहा होगी। हाँ, बोलने वाला कोई नहीं उसको। हाँ, असल में बोलने वाला कोई नहीं, हमारे MLA साहब को बोलने वाला कोई नहीं है। हम असल में उनकी इज्जत करते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपका जो काम है, मस्जिद है, मदरसा है, दीनी जलसे है, दर्स कुरान आप करते हो, पूरे शहर के अंदर करो, हमारी हम आपके सबसे जलसे में सबसे पहले रहेंगे, और यहाँ तक का ये करेंगे, गली गली में हम भोंगा लगा के घूमेंगे, भोंगा लगा के घूमेंगे हम पूरे शहर के अंदर के। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का यहाँ फलाना जगह दर्स कुरान है, फलाना मस्जिद में उनका बयान है, कि आप सब लोगों से गुजारिश है, लेकिन आज जो लोग जो सियासी है, सियासी लोगों को सियासी काम करन दो। मुफ्ती साहब आपका काम नहीं है लीडरी करने का, लीडरी करने का आस्तीन ऊपर करना पड़ता, ये ऐसे वाले बोलो को बोलना पड़ता, ऐसे लोग को सिखाना पड़ता। हाँ, ये आपके बस की बात नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, इस रोडों का काम कब से मंजूर हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? क्या आपको आपका कमीशन नहीं मिला, इसके वजह से रुका है क्या? मेरा सवाल है कि अगर आपको इसका, आपको अगर कमीशन नहीं मिला होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं तक ये रोड का काम, ये पूरे शहर के रोड के काम रुके हुए। और गवांदे साहब, मैं बता दे रहा, ये मैं मेरा पहला धरना था, मैं इसके लिए सिर्फ तुमको मैं वार्निंग दे रहा, अगर पीर के दिन से अगर इसका काम चालू नहीं हुआ तो तीनों चारों रोड बंद करा दूंगा मैं, और मुंह काला करूंगा तुम्हारे, इतना याद रखना है क्या? हाँ, मुंह काला करूंगा मैं। हाँ, मुंह काला करके चप्पल धार पिना के मैं घुमाऊंगा तुमको, मैं बता दे रहा तुमको मैं। काम चालू हो जाना चाहिए पीर के दिन से, यहाँ से लेके वहां तक का पूरा। हाँ, तुमको असल में लोग छूट दे रहे ना, तो तुम ज्यादा मत जा रहे, नदी के उस पार जाके देखेंगे अगर, तो एक गली का रोड भी बाकी नहीं है, पूरे रोड बन गए, सिर्फ अपना मालेगांव शहर खड्डे के अंदर ही जाता जा रहा। यहाँ मालेगांव शहर के अंदर जाओ, वहाँ खड्डे, अभी यहाँ इतने पेशे ने कई लोगों के, मेरे खुद के रील खड्डे के ऑपरेशन हो चुके, तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, और आपसे भी गवांदे साहब, मीर के दिन से काम चालू हो जाना चाहिए, मैं एक बार फिर वार्निंग दे रहा है ना, मीर के दिन से काम चालू हो जाएगा ना। कब चालू करेंगे अंडरग्राउंड? उसको बुलाया है वो अभी लेवल लेके, तो आज से चालू कर रहे हैं, कल से नहीं, उसको वो अभी आगे भी बंद है ना, ये भी बंद हो जाएंगे, उधर का हो गया क्या, फिर कब चालू करना? पीर के दिन से काम चालू कर देना। यहाँ पे जितने भी आए हुए लोग धरने में, मैं तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के लोगों को मेरी तकलीफ देने की कोई यानी वो नहीं थी, लेकिन इस रोड का काम नहीं चालू हो रहा, इसके लिए हमको धरना आंदोलन करा, सबके शुक्रिया के साथ, अस्सलाम।